नमस्कार, न्यूज हंट में आपका स्वागत है। मैं बारिस मिर्जा। जी आज हम बात कर रहे हैं मुख्तार अंसारी के पंजाब के रोपड़ जेल में बंद होने की कहानियां। जी हाँ, जब वो मुख्तार पंजाब के रोपड़ जेल में बंद था तब उसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि 55 लाख रुपए उस वक्त की सरकार ने मुख्तार पर खर्च किए थे और अब उसकी वसूली जेल मंत्री सुखजिंदर रंधावा और मुख्यमंत्री जो पूर्व में रह चुके हैं अमरिंदर सिंह से की जाएगी, जिसके खिलाफ रंधावा ने कहा है कि भगवंत मान सिर्फ झूठे आरोप लगाते हैं। रंधावा ने कहा है कि अब वो उनके खिलाफ मानहानि का वाद दायर करेंगे। आइए आपको बताते हैं पूरा मामला। मुख्तार अंसारी को जेल में मिली सुविधाओं को लेकर बोले रंधावा। कांग्रेस नेता सुखजिंदर रंधावा ने कहा है कि वो उनका चरित्र हनन किए जाने को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ मानहानि का वाद दायर करेंगे। रंधावा ने मान द्वारा उन पर गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के लिए जेल में सुविधाएं मुहैया कराने का आरोप लगाया। उन्होंने मुख्यमंत्री की आलोचना की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रविवार को कहा था कि उनकी सरकार पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान रूपनगर की जेल में मुख्तार अंसारी के आरामदायक प्रवास पर खर्च हुए 55 लाख रुपए की वसूली पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और तत्कालीन जेल मंत्री सुखजिंदर रंधावा से करेगी। मान ने कहा है कि अगर सिंह अब भाजपा नेता और रंधावा कांग्रेस विधायक पैसे का भुगतान नहीं करते तो उनकी पेंशन और अन्य सुविधाएं रोक दी जाएंगी। पंजाब ट्रक की चपेट में आने से रंधावा ने मुख्यमंत्री के 55 लाख रुपए खर्च के दावे को खारिज करते हुए कहा कि अंसारी के मामले में वरिष्ठ वकील को फीस के तौर पर 17.60 लाख रुपये का भुगतान किया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री को अंसारी मामले में उन्हीं से वसूली नोटिस जारी करने की चुनौती भी दी है। मान के आरोपों के संबंध में रंधावा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री को चरित्र हनन करने की आदत है।